नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए बढ़ते हैं नव वर्ष की पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जो कि हमारे फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट अमका से रिलेटेड है। और अमेरिका ने किस प्रकार से भारत को नव वर्ष का तोहफा दिया है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारतीय साइंटिस्ट इंडियन एयरफोर्स को 2022 से लेकर 2025 तक और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यह तभी संभव हो पाएगा जबकि भारत के पास खुद का स्वदेशी और स्टेल्थ फाइटर जेट अमका आ जाएगा। और इसके लिए हमारे साइंटिस्ट दिन रात एक कर रहे हैं। और अब हमारे साइंटिस्टों की ही तरफ से अमका को लेकर बहुत बड़ी खबर दी गई है। दरअसल DRDO और ADA ने मिलकर अमका का कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन तैयार करने के लिए कमर कस ली है। और 2022 की स्टार्टिंग में अमका का कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यह होता क्या है? तो दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन बेसिकली वह डिजाइन होता है जो कि एयरफोर्स को बताया जाता है। और एयरफोर्स जैसे ही इसको स्वीकार कर लेती है तो फाइटर जेट का आकार और रूप रंग वैसा ही बनाया जाता है। और उसके पश्चात मेटल कटिंग को करके वैसे ही अमका फाइटर जेट बनेंगे। और इसका काम अब DRDO और ADA मिलकर कर रहे हैं। और दोस्तों, इसमें एक बहुत ही बड़ी खबर है जो कि अमेरिका की तरफ से निकल के सामने आई है। दरअसल भारत के पास अभी हाल फिलहाल में खुद का स्वदेशी इंजन तो है नहीं, इसलिए अमका में अमेरिका के द्वारा बनाया गया जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगाया जाएगा। और अमका में एक इंजन नहीं बल्कि दो F414 इंजन लगने वाले हैं। और इन दोनों इंजनों की बदौलत अमका इतना पावरफुल बन जाएगा कि इनकी दोनों ही इंजन 200 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आसानी से जनरेट कर सकते हैं। और इसी को लेकर ADA के डायरेक्टर ने अमका को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि हमारा अमका फाइटर जेट चाहे तो हम इसको एक स्ट्रेटेजिक और स्टेल्थ बॉम्बर की तरह भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, यह इंटरनल बे में 200 क्विंटल तक का वजन आसानी से उठा के ले जा सकता है। और यदि बाहर और इसके हम हथियार लाद दें तो लगभग 250 क्विंटल का वजन अमका आसानी से उठा लेगा। और इससे भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त मिल जाएगी, जिससे अमका के तैयार होने के पश्चात भारत को अपना एक स्टेल्थ और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अमका से ही भारत यही दोनों काम बड़े ही आसानी से कर सकता है। परंतु प्रॉब्लम यहाँ पर यह होगी कि जब हम अमका में बाहर भी हथियार लगा देंगे और इसका वजन 250 क्विंटल हो जाएगा, तब यह फाइटर जेट स्टेल्थ नहीं रहेगा। और एडवांस रडार के माध्यम से अमका को ट्रैक भी किया जा सकता है। परंतु 200 क्विंटल गोला बारूद की स्थिति में अमका फुल्ली स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जो कि किसी भी एडवांस रडार को आसानी से चकमा दिख सकता है और दुश्मन के चीथड़े उड़ाकर वापस भी भारत में आ सकता है। और इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों की अमका के ऊपर यह बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा रही है, जिससे भारत के बॉम्बर और फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट दोनों की जो कमियां हैं वो अमका अकेला पूरा कर देगा। और 2024 में इसकी पहली फ्लाइट होगी। इसके पश्चात 2028 से अमका की एक पूरी फौज बनाएगा भारत। खैर, आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में फिर राय बस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।